हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवी कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट एनवी कैंपस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम से जुड़े एग्जाम के टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। संजीव सान्याल बने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिकल सदस्य। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी पैनल के अध्यक्ष विवेक देव राय ने 22 फरवरी को ट्विटर पर दी। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। 1990 के दशक में वित्त बाजार के साथ काम कर रहे सान्याल ने से ESCPM में शामिल होने से शीर्ष सलाहकार निकाय को मदद मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से ESCPM केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले वह ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके काम के लिए सिंगापुर सरकार भी उन्हें सम्मानित कर चुकी है। आज की दूसरी खबर है, जोधपुर में भारत ओमान ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। वायुसेना बोली, इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। भारत और ओमान ने जोधपुर में सोमवार को 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के 6वें संस्करण के लिए Sukhoi-30 MKI जुगार और Mirage 2000 लड़ाकू विमानों को एक बेड़ा याद किया। वहीं ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने अपने F-16 जेट विमानों को तैनात किया। भारतीय वायुसेना ने कहा, यह दोनों वायुसेना का अभियानगत क्षमता और अंतर अभियानगत क्षमता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों देशों के वायुसेना का यह युद्धाभ्यास परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही IAF और RAFO की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। दोनों देश 21 फरवरी से वायुसेना स्टेशन जोधपुर में द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 में भाग ले रहे हैं। यह सिलसिला 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें दोनों ही देशों के वायुसेना प्रमुख के आने की संभावना है। उनके नहीं आने की स्थिति में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ या अन्य सीनियर ऑफिसर आएंगे। आज की तीसरी खबर है, मलयालम फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री KPS ललिता का निधन। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPSE ललिता का मंगलवार को देर रात तिपुनीतुरा स्थित आवास में निधन हो गया। फिल्म उद्योग के सूत्रों ने जानकारी दी कि वह 74 वर्ष की थी। ललिता के परिवार में उनके अभिनेता निर्देशक पुत्र सिद्धार्थ भरतन और बेटी श्रीकुटी हैं। उनका मलयालम फिल्मों के जाने माने निर्देशक दिवंगत भरतन के साथ विवाह हुआ था। ललिता केरल संगीत नाटक अकेदमी की अध्यक्ष थी। वह पिछले कुछ महीनों से बीमार थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ललिता के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने अभिनय कौशल से विभिन्न पीढ़ियों के दिलों में जगह बनाई है। आज की चौथी खबर है, लद्दाख में माउंट करजो कंगड़ी पर पहली बार चढ़े जवान। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साहस व शौर्य की हमेशा दाद दी जाती है। अब इस बल के 6 जवानों ने लद्दाख में 20,177 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट करजो कंगड़ी पर चढ़ने में कामयाबी पाई है। पहली बार इस पर्वत चोटी पर कोई दल पहुंचा है। माउंट कंगजो कगड़ी पर एक बेहद विकट मौसम रहता है। इन दिनों वहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। ITBP के केंद्रीय पर्वतारोही दल के 6 जवानों ने 20 फरवरी को माउंट कंगजो चोटी पर चढ़ने में कामयाबी पाई। इस टीम का नेतृत्व पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सोनिल ने किया। डिप्टी कमांडेंट अनुप नेगी इस दल के उपनेता थे। दल ने इस चोटी पर चढ़ने के लिए किसी तरह के खास पर्वतारोहण उपकरणों की मदद नहीं ली थी। आज की पांचवी खबर है, पुतिन ने यूक्रेन के लुहंसक और डोनेत्स्क को अलग प्रांत बनाने की मान्यता दी। रूस ने यूक्रेन के दो प्रांत डोनेत्स्क और लुहंसक को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पुतिन ने लुहंसक और डोनेत्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सेना तैनात शुरू कर दी है। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। डोनबास क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संकटों को एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया जा रहा है। पुतिन के इस फैसले पर तनाव और भी बढ़ गया है और युद्ध की आशंका मजबूत हो गई है। पुतिन ने यूक्रेन के जिन दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया है
टोनोस्टक डोनबास राज्य का मुख्य शहर है। यह कई प्रमुख खनन भंडारों के प्रभुत्व वाला एक औद्योगिक केंद्र है। यह यूक्रेन के मुख्य इस्पात उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ की आबादी करीब 20 लाख है। इसी तरह लुहानसक जिले वाले बलोशिवे गात्र से नामा जाता है। यूक्रेन के लिए कोयले का अहम भंडार यही है। यह शहर भी डोनबास क्षेत्र का हिस्सा है और रूस के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आज की थी ये खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।